आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहां पर अगर कुछ कमियां हैं उस पर भी चर्चा करनी महत्वपूर्ण है, अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो उस पर भी चर्चा करनी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक खबर बीच के माध्यम से हमको ये चीज़ों को दिखाना भी और समझाना भी और उस पर चर्चा कराना आवश्यक समझा जाता है। यहाँ पर जो चर्चा का विषय है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में पहले से सक्रिय है और लगातार तमाम चीज़ों को अगर कहीं कमी पाई जाती है तो उसको लेकर अपने निर्देश भी दे रहे हैं और अल्टीमेटम के साथ उनको पूरा करने का यहाँ पर पूरा सीधा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर गड्ढा मुक्ति अभियान, गड्ढे हैं और सड़कों पर उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर तक आपको सभी गड्ढों को भरवाना है और ये निर्देश जारी किए गए हैं पीडब्ल्यूडी को, ये निर्देश जारी किए गए हैं नगरीय विकास को, ये निर्देश जारी किए गए हैं ग्रामीण अभियंत्रण को, ये निर्देश जारी किए गए हैं ग्राम विकास को, ये निर्देश जारी किए गए हैं डेवलपमेंट अथॉरिटियों को, और ये निर्देश जारी किए गए हैं सड़क व्यवस्थाओं को देखने वाली जो कंपनियाँ उनको। क्योंकि अगर यहाँ पर गड्ढे रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि सरकार काम तो बढ़िया कर रही है पर उन गड्ढों के माध्यम से विपक्ष हमेशा हमला पर होता रहता है। और ये गड्ढा मुक्ति अभियान हालांकि पहली बार नहीं चलाया जा रहा है, पिछले साल भी यहाँ पर 3 महीने का समय दिया गया था और उस समय भी देखा गया था कि गड्ढा मुक्ति अभियान चलाया गया था, पर हम देख रहे हैं कि उसके बाद भी सड़कों के गड्ढे थे वो उतनी तरीके से नहीं भर पाए थे, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और इसके पहले भी जब पहला कार्यकाल था तब भी जब पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे उस समय भी लगातार गड्ढा मुक्ति अभियान चलाए जाते रहे और गड्ढे भरे गए, पर चूंकि कहीं ना कहीं कमी आती रही और गड्ढे भरने में जिस तरह से भी हीला बहाली की गई उसका नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिला और हमेशा विपक्ष सड़कों को लेकर सरकार पर हमलावर होता रहा। सरकार की मंशा है बेहतर काम की, सरकार की मंशा है बेहतर प्रबंधन की, सरकार की मंशा है बेहतर क्रियान्वयन की, सरकार की मंशा है बेहतर समीक्षा की और सरकार की मंशा है बेहतर विकास की, पर कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि सरकार की मंशा पर अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। यहाँ सरकार तो योजना बनाती है, सरकार जनता के लिए बेहतर करना चाहती है, सरकार योजना बनाती है, सरकार बेहतर काम को जो बजट है वो भी आवंटित करती है, पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो मिली भगत है, अधिकारियों की हीला बहाली है वो सरकार की मंशा पर यहाँ पर पिस्त चिन्ह लगा रही है, जिसके देखते यहाँ पर योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और सीधा स्पष्ट निर्देश दिए हैं कई विभागों को कि आपको ये देखना है और अब आपको आने वाले समय में इन चीज़ों को ख़त्म करना है, गड्ढों ख़त्म करना है और सभी विभागों को उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि भ्रष्टाचार के लिए भी यहाँ पर यूनिट बढ़ाने की बात चल रही है, बड़ा आदेश दिया है, 11 यूनिट पहले से चल रही हैं जो कि एंटी करप्शन यूनिट कहा जाता है। इसके अलावा 8 नई यूनिट और लगाई जाएंगी, ये भी चर्चा का विषय है क्योंकि यूनिट लगाई जाएंगी और भ्रष्टाचार के विरोध में यहाँ पर हम काम कर देंगे, क्योंकि सरकार का कहना है हम जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हैं और जो कि हमारे चुनाव के समय का एजेंडा भी था। और ये यूनिट यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाई जाएंगी, 11 पहले से हैं, 8 नई यूनिट और लगेगी, एंटी करप्शन यूनिट है जो कि आने वाले समय में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाए। थोड़ा सा मुद्दा जुड़ा हुआ इसलिए भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार की मंशा है, सरकार बेहतर करना काम करना चाहती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारी उनकी मंशाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। और चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, सभी मेहमानों को आपको मैं रूबरू करा दूँ। समाजसेवी ग्रुप में विवेक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, रामनिवास भाई भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, वीर प्रकाश मिश्रा आरएलडी से अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में सुशील दिवे जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा रामनिवास भाई से। रामनिवास भाई, इसके पहले भी अभियान चलाए जाते रहे, पिछले साल भी 3 महीने का अभियान चलाया गया, जो पूर्ववर्ती कार्यकाल रहा है आपका, इस बार तो 37 साल के मिथक को तोड़कर दोबारा आए हैं, उसमें भी अभियान चलाया जाता रहा, पर क्या मानते हैं कि सरकार तो योजना बनाती है पर जो अधिकारी हैं वो आपकी मंशा पलीता लगा रहे हैं? राजधानी लखनऊ की कई सड़कें ऐसी हैं जो बिल्कुल खस्ता हाल हैं, जिन पर गड्ढे हैं, क्या विकास कम है या निधि नहीं आ रही है या बजट आवंटित नहीं होता है, क्या कमी मानते हैं जिस पर आज मुख्यमंत्री स्वयं निर्देश दिए हैं सभी को कि गड्ढे भरे जाएँ? गौरव जी, जिस तरह से इधर 15 दिनों से जी लगातार बारिश हो रही है
और 3 दिन से तो आप देख रहे हैं मौसम ही नहीं खुला है उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में जी। तो निश्चित रूप से जब इतनी भयंकर बारिश होगी तो सड़कों में खराबी आएगी, गड्ढा युक्त होंगी। अच्छा, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को, किसी एक विभाग को नहीं जी, जितने भी विभाग उत्तर प्रदेश सड़कों का काम करते हैं जी, सारे विभागों को निर्देश दिया है जी, कि 1 माह के अंदर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करिए जी, क्योंकि सड़कें लगातार बन रही हैं जी, लेकिन भारी बारिश की वजह जी उत्तर प्रदेश 75 जिलों के अपेक्षा 53 जिलों में भारी बारिश हुई, जिसमें ऑरेंज अलर्ट जारी है जी, और अभी 2 दिन और बारिश होने संभावना है जी। तो जैसे बारिश खत्म होगी, हमको लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 माह का समय दिया है जी, और सभी विभाग लग के उससे पहले ही जी गड्ढों को सही कर लेंगे। अच्छा। और सड़कें बिल्कुल पहले तरह चमचमाती बना देंगे। रामनाथ जी, ये कैसी बारिश हो रही है, कैसी सड़कें हैं जो बारिश होती है 3 दिन की वो सड़कें बह जाती हैं, कहीं ना कहीं हिला बहाली तो है ना भाई? नहीं, 3 दिन की बारिश आप नहीं कहेंगे इसे जी, ये 3 दिन की मूसलाधार बारिश है। अच्छा। जिससे सड़कों पर लगातार 3 दिन से पानी भरा हुआ है, क्योंकि तो सड़कें अपने यहाँ तारकोल से बनती हैं जी, तो इसकी वजह गड्ढे हुए हैं जी, और निश्चित रूप से आने वाला 1 महीना महत्वपूर्ण है जी, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, जैसे पहले चमचमाती सड़कें थी वैसे चमकेंगी फिर। और जो आपकी जो यूनिट खोली जा रही है एंटी करप्शन यूनिट, पे क्या कहेंगे भाई? नहीं देखिए, है क्या ना कि जैसे अभी हमारे पास 11 यूनिट थी। हाँ। जहाँ जहाँ छापा डाला जा रहा है। अच्छा। तमाम देखिए, अभी कानपुर में डाला गया इतने व्यापारी के यहाँ जी 180 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़ पे कैश मिल रहा है जी। तो कहीं ना कहीं जो लंबे समय से लूट मची आ रही थी। अच्छा। तो सरकार को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है जी कि ये जो 11 यूनिट थी ये पर्याप्त नहीं थी जी, क्योंकि उन पर काम का दबाव 25 करोड़ की आबादी जी, 75 जिले जी, इसीलिए उन्हें 8 यूनिट और बढ़ाई है जी, क्योंकि सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार जी पे कोई समझौता नहीं, चाहे जितना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा छोटा हो जी, सब पर कार्रवाई होगी। ठीक। जो भी भ्रष्टाचारी होगा जी, जनता का पैसा, सरकार का पैसा, विभागों का पैसा लूटने काम करेगा, उसके खिलाफ यूनिटें काम करेंगी और निश्चित रूप से लगातार काम कर रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों में जी, 5 सालों में खासकर जी, जितना करप्शन पकड़ा गया है, जितना पैसा पकड़ा गया है जी, पिछले आप 70 सालों में देख लीजिए कभी नहीं पकड़ा गया, जो इन 5 सालों पैसा पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े मगमच्छ लूट के पैसा रखे थे, अच्छा, योगी जी निकालने के सब काम कर रहे हैं और देखिए लगातार निकल भी रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम देख रहे हैं कि सरकार अभियान चलाती है। पहले भी मैंने आपको पहले अभियान चलाया, पूर्ववर्ती जो आपका कार्यकाल था उसमें भी आप अभियान चलाते रहे, तो ऐसा अभियान चलाने की जरूर क्या पड़ जाती है? जबकि मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी है, गाइडलाइंस ये है, सुशील भाई भी हमारे मेरे ख्याल बेहतर बताएंगे कि जो गाइडलाइंस है वो ये है कि जो बरसात के समय में नगर निगम को, LDO को कोई भी खुदाई करने की इजाज़त नहीं होती है कि खुदाई आप ना करें, क्योंकि अगर खुदाई होगी कहीं ना कहीं उससे गड्ढे भी होंगे और उन गड्ढों से जनहानि की संभावना भी रहती है, और जाहिर सी बात है जब वहाँ पर खुदाई करेंगे कहीं ना कहीं गड्ढे भी होते रहेंगे और फिर उसको आप लेकर भरने के लिए अभियान चलाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिशा निर्देश भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको करीबद्ध तरीके से उनको पालन कराया जाए। नहीं गौरव जी, निश्चित रूप से, क्योंकि कुछ विभाग सड़क बनाते हैं, बाकी भी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा विभाग ऐसे हैं जो सड़क संबंधित ही काम करते हैं, कहीं केबल बिछाना है, कहीं सीवर डालना है, क्योंकि काम ऐसे हैं कि फिक्स महीने 6 या 7 महीने में नहीं हो सकते हैं जी, क्योंकि 4 महीने बारिश रहती है जी, तो कोई काम 8 महीने में पूरा नहीं हो सकता है जी, तो मतलब काम लगातार काम चलता रहता है और लगातार उसका मरम्मत भी होती रहती है जी, और यही कारण है कि भारी बारिश की वजह जो जगह जगह गड्ढे खुदे हैं वो आने वाले 1 माह के अंदर सब कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सारे विभागों को माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, सारे विभाग त्वरित कार्रवाई करके ये सड़कों को ठीक करेंगे। ठीक है विवेक भाई, आप समय समय पर अधिकारियों को चेताते रहते हैं और अपने चेतावनी से अपनी मेहनत के दम पर उन कामों को करा भी ले जाते हैं। कई जगह गड्ढे आपने भरवाए भी हैं, सड़कों का निर्माण भी कराया समाज सेवी ग्रुप में, यानी कम तमाम तरह की आप सरकार को अर्जी डालते रहते हैं आज इसके माध्यम से, कैसे देखते हैं जो अभियान को इस तरह चलाया गया? गौरव जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी कि आज ही मुख्यमंत्री जी का ये आदेश आया जी, कल उन्होंने किया होगा जी, और आज आप लोगों ने सबने चालू किया सुबह से, और इसपे ये हुआ कि गड्ढा मुक्त होंगी जी, तो अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे ये लोग जी? क्या मुख्यमंत्री आदेश देंगे तभी करेंगे जी? एक छोटी सी बात बताऊं, अभी हमारे यादव जी बोल रहे थे जी कि प्राधिकरण और ये आपके जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और उसी हिसाब से काम कर रहे हैं जी, लेकिन मैं आपको बता दूं जी,
जानकीपुरम की कुर्सी रोड से लेकर सहारा स्टेट रोड करीब 900 मीटर की रोड है जी, और कम से कम उसमें प्रेजेंटली अभी दो महीने पहले जब मैंने आईजीआरएस लगाया था तब 900 गड्ढे थे। अच्छा। आज की डेट में वहाँ गड्ढे भी शर्मा गए और वो पूरी रोड जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गई है, मतलब उसमें आप 900 की जगह पूरी की पूरी रोड आप गड्ढों को देख सकते हैं। अच्छा। और ये किसका काम था? ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मेदारी थी जी। आपस में बैठकर नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुपचुप तरीके से एक दूसरे को हैंडओवर दे दिया जी। दो महीने तक मेरे को दोनों ही विभाग टहलाते रहे, वो कहते हैं कि क्योंकि एलडीए कह रहा है कि हमने हैंडओवर दे दिया है। अच्छा। नगर निगम करेगी। अच्छा। और नगर निगम कहती है कि अभी हमारे पास हैंडओवर नहीं हुआ। लास्ट में पता लगा कि उनका पेमेंट ही उन्होंने रिलीज नहीं किया था, फिर जाकर उन्होंने उस गड्ढों में मलबा डलवाया। और वो अगर आप मलबा देख लें तो भाई साहब आप भी ये कहेंगे कि ये लखनऊ के इंजीनियर हैं, किस तरीके का मलबा उन्होंने वहां पर डलवाया था। अच्छा। कि लोग चोटिल हो रहे हैं और उन्होंने पहाड़ खड़े कर दिए। अच्छा। उसको फैलवाया तक नहीं है जी। लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, मेरे बच्चे भी उसमें गिर चुके हैं, मैंने निवेदन भी किया। उन्होंने कहा कि जब अभी ये अभी बारिश आ गई है, इसके बाद हम इस बरसात के बाद में इसको करवा देंगे। लेकिन मुझे मेरे पास एक प्रश्न ये मैं खड़ा होता है कि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण जो यहाँ का विकास करती है और उसने कॉलोनी डेवलप की है, अनुरक्षण अभी तक उसकी देखरेख में था, तो ऐसी टूटी फूटी रोड उन्होंने नगर निगम को कैसे हैंडओवर कर दी? अच्छा। और नगर निगम के अधिकारियों ने ऐसी क्या मिली भगत, क्या गुट्टी पी थी कि उन्होंने वो हैंडओवर ले ली? अच्छा। और अभी तक उसको बनाया नहीं गया जी। अब बताया जा रहा है भाई, देखिए पूर्ववर्ती सरकार में भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे जी। उन्होंने भी एक अभियान चलाया था गड्ढा मुक्त सड़कें जी। कितनी हुई उत्तर प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कें? उससे और ज्यादा बढ़ गई। अच्छा। कहना बड़ा आसान होता है, मुख्यमंत्री आदेश करते हैं लेकिन क्रियान्वयन करना अधिकारियों का काम है, और वो लोग बेइज्जती कराने के ऊपर पड़े हुए हैं कि सरकार की किसी तरह बदनामी हो। 2024 का चुनाव है जी। और कुछ अधिकारी किसी और पार्टी से मिलकर अच्छा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं जी। क्योंकि उनको मैंने इतने आईजीआरएस किए हैं, वो लोग काम ही नहीं करना चाहते। अच्छा। कभी किसी चीज का आज से दो महीने पहले एक आईजीआरएस किया था 2 अगस्त को जी। क्या 2 अगस्त को बरसात हो रही थी जी। आपके आवास विकास की वृंदावन योजना में एक सज्जन ने मेरे को कहा कि भैया हमारे यहाँ की रोड टूटी हुई है। मैंने अधिशासी अभियंता आवास विकास को फोन करके उनको बताया कि मैंने आईजीआरएस किया है और उस रोड को बनवा दीजिए, देख लीजिए उसमें क्या प्रॉब्लम है जी। उन्होंने कहा हमारे कोई भी अभियंता अभी खाली नहीं है, झंडा बांट रहे हैं। अच्छा। 15 अगस्त का कार्यक्रम मिला है। अच्छा। उसमें डंडा और झंडा वो घर घर बांध रहे हैं। अच्छा। तो जिस समय वो फुर्सत में आएंगे तब बनवा दी जाएगी। अच्छा। अब भाई साहब ने बताया कि अभी बरसात चल रही है जी। तो ये तो बहाने चलते रहेंगे। अच्छा। अभी बता देंगे कि भाई उसमें अब जाड़े पड़ गए, आग जलाई जा रही थी वो ठंडी पड़ गई, तो ऐसे काम नहीं चलता है। अधिकारियों को ही भाई साहब चेताना होगा, जब तक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक कोई काम नहीं। अब कहना है सरकार की मंशा ठीक है, अधिकारी हिला वाली है। सर सरकार की मंशा ठीक है लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी मंशा भी मुझको ठीक नहीं लगती। अच्छा। पार्षद वो भी सरकार, वो चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो। अच्छा। वो भी क्षेत्र के काम के लिए आगे नहीं बढ़ते। अच्छा ठीक है। किसी क्षेत्र के आज ये बताइए, हमारे उत्तरी क्षेत्र में इतने गड्ढे हैं, अगर मैं आपको गिनवाने बैठूंगा तो आप खुद कहेंगे। एक तो सहारा स्टेट से पहाड़पुर रोड और जानकीपुरम का 60 फीटा रोड जिसमें भाई साहब हाथी अगर चला जाए वो भी समा जाए। अच्छा। लेकिन वहां के जनप्रतिनिधि भाई, ये तो विधायकों का काम है ना, हम लोग बात उठाते हैं, अगर उनसे ज्यादा कह दी, जनप्रतिनिधियों से ज्यादा कह दिया जाए तो वो ऐसा रुष्ट होकर बैठ जाते हैं कि आपने ये बात बोल कैसे दी। अच्छा। ये जो आप गड्ढा दिखा रहे हैं ये जानकीपुरम के मेरे को लग रहा है गड्ढे हैं। अच्छा। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई साहब कि उसमें गाड़ी पूरी पूरी समा जाती है। ठीक है ठीक है। वेद प्रकाश मिश्रा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मिश्रा जी आपको मेरी आवाज आ रही है आरएलडी से? हाँ आ रही, आ रही, आ रही। बीर भाई आप भी लखनऊ में रहते हैं और कई जगह रोड बेहतर भी है तो कई जगह रोड गड्ढे भी हैं, और गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जाएगा 15 नंबर तक पूरा करना है, और सभी विभागों को जो कि सड़कों से जुड़े हुए हैं उनको मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए। आज कैसे देखते इस अभियान को लेकर? देखिये गौरव जी, मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है वो ठीक है, वो स्वागत योग्य है जी, और गड्ढा मुक्त अभियान चलना चाहिए जी। लेकिन कुछ प्रश्न भी उठते हैं जी। अच्छा। कि मुख्यमंत्री जी के आदेश की प्रतीक्षा क्यों? अच्छा। दूसरी चीज यह है कि जो सड़क बनाने की संस्थाएं हैं जी और जो सड़क खोदने की संस्थाएं हैं, अच्छा, उनके बीच में समन्वय नहीं है। अच्छा।
पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क बना करके एक तरफ जाता है, दूसरी तरफ दूर संचार वाले उसको खोद देते हैं। अच्छा, बिजली विभाग उसको खोद देता है जी, और खोदने के बाद वो उसको महीनों डाले रखते हैं, वो गड्ढा बना रहता है, लोग उसमें गिरते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है जी? क्या वो निरंकुश अफसर जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिना सामंजस्य के इस तरीके से सड़क को खोद करके बर्बाद किया है? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। और दूसरी चीज ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश कर रहे हैं कि गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जाए जी। क्या ये निरंकुश पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उनके आदेश का अनुपालन करके जनता को राहत देंगे जी? हमको ये संशय लगता है कि जब वो सरकार को संज्ञान में दिए बगैर व्यापक स्तर पर ट्रांसफर कर देते हैं और विभाग के मंत्री जी को पता नहीं चल पाता है, तो वो गड्ढा मुक्त अभियान को कितना साकार कर पाएंगे? अच्छा, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ जो बात आई है एंटी करप्शन की, हाँ, एंटी करप्शन जब जीरो टॉलरेंस सरकार का है जी, तो क्या सरकार ये अप्रत्यक्ष रूप से मान रही है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है इसलिए उनको और टीमें बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है? क्या भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी कि भ्रष्टाचारियों में भय व्याप्त हो और वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दें, इसमें कोई कमी रह गई है? अच्छा, इसलिए और टीमें बढ़ाने की आवश्यकता हुई है? बड़ा प्रदेश है, सरकार को इस पर भी गंभीरता से विचार करना। बड़ा प्रदेश है भाई, कि जो जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध ऐसी प्रभावी कार्रवाई हो कि दूसरा भ्रष्टाचार को अंजाम देने की हिमाकत न करें। ये मेरी अपनी बात है जी। इस पर भी सरकार को अमल करना चाहिए जी। और रही बात सरकार के जो आदेश हैं उनका अनुपालन, ये निरंकुश नौकरशाही जो मनमानी पर आमादा रहती है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या इस पर वो अमल करेंगे जी? इस पर एक संशय की स्थिति बनी हुई है प्रदेश में। अच्छा, आप पहले देखते होंगे गौरव जी कि जी, जब मार्ग बनता था तो उसके किनारे एक ईटा की एक पगडंडी जैसी बनती थी। अच्छा, अब वो बननी बंद हो गई। ठीक, अब जब नीचे कटान होता है तो सड़क के बिल्कुल जस्ट बगल में ही गड्ढा इतना जबरदस्त हो जाता है। अच्छा, कि अगर आप बाएं नीचे गए तो दुर्घटना होना तय है। अच्छा, क्या ये उच्च अधिकारी इस बात की समीक्षा करके सरकार को इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि क्या ऐसा भी किया जाना आवश्यक है? अच्छा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो माननीय मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना जी चाहिए। बिल्कुल, और इस पर विचार करना। मिश्रा जी, पर मेरा मानना ये भी है, सुन लीजिए, मेरा मानना ये भी है जी, कि अगर अधिकारी नहीं चेत रहे, अधिकारी सरकार की मंशा में पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष की भूमिका क्या है? अगर गड्ढे हैं तो विपक्ष भी नहीं सड़कों पर चलता है ना, सुन लीजिए मेरी बात को, विपक्ष भी नहीं सड़कों पर चलता है। ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि उन समस्याओं के प्रति सरकार को, प्रशासन को आगाह करे, उसके लिए भी सड़कों पर उतरे? देखिए, लगातार हम सड़क के माध्यम गड्ढा मुक्त के लिए कौन उतरा है? कोई नहीं उतरा है, कोई नहीं उतरा है। देखिए जी, ऐसा है कि गड्ढा मुक्त के लिए हमने व्यापक स्तर पर सड़क अभियान, जैसे ही गड्ढे हुए थे आपके, आपका जो झांसी का रोड बनाया गया, चार दिन के बाद वो कट गया था, उसमें बड़ा सा गड्ढा हो गया था, वो जगह जगह बैठ गया था, उसको लेकर के हमने लगातार सरकार को आगाह किया कि ये स्थिति ठीक नहीं है, इस पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके विरुद्ध संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अच्छा, ऐसा नहीं गौरव जी कि हम सरकार को आगाह नहीं करते हैं। अच्छा, हमने विधानसभा, हमें लगता है मैं डिबेट में आगाह किया जाता है, बस मुझे लगा कि मैंने डिबेट में आगाह करते हैं बस। डिबेट में तो हम आपके माध्यम से आगाह करते हैं, यादव जी हमारी बात का संज्ञान लेंगे और इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। अच्छा, और आपको साधुवाद देते हैं कि आप हमें सचेत करते रहते हैं कि आप इन बिंदुओं को उठाइए। भाई बिल्कुल उठाने की जिम्मेदारी आपकी, धन्यवाद देते हैं जी। और हम लगातार इन बिंदुओं को उठाते भी रहते हैं जी, सरकार को आगाह भी करते रहते हैं। ठीक, समय समय पर हम इन बिंदुओं पर निगरानी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है भैया, हो गया जी। इमरान भाई कैसे देखते हैं भाई, यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, एंटी करप्शन की यूनिट लगाई जा रही हैं, 8 यूनिट और लगाई जाएंगी, सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है और गड्ढे भरवाने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री का सख्त अल्टीमेटम यहाँ पर 15 नवंबर तक, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, एक बार ऐसे ही 15 जून की डेट आई थी, इसी जी मुख्यमंत्री जी यही थे और उन्होंने इसी तरह का फरमान दिया था जी। और अगर
जनता कोई सवाल करती सड़क के संदर्भ में, या कोई विपक्षी नेता सड़क के संदर्भ में कोई सवाल करता, तो अवध के एक मशहूर शायर हुए हैं रफीक सादानी साहब, उनकी दो पंक्तियां हैं कि काओ कही नेता ले हो अब्बे हड़क, सड़क मह गढ़ा की गढ़ा मह सड़क। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर यही हालत है। अच्छा। कि गड्ढे सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढों में सड़क बनी होती है, ऐसा अच्छा। प्रतीत होता है। अभी अच्छा। हमारे साथी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राजधानी लखनऊ का एक हिस्सा है जानकीपुरम, उसके किसी भी इलाके में आप चले जाइए, चाहे वो नया इलाका हो चाहे पुराना जानकीपुरम हो, किसी भी सड़क पे चले जाइए, अगर आपको सैकड़ों की संख्या में गड्ढों से न मुलाकात हो तो मैं राज्य से अभी। अच्छी सड़क लखनऊ में है कि नहीं है? अच्छी सड़क है, देखिए लखनऊ में अगर अच्छी सड़कें हैं, दो चार सड़कें तारीफ भी कर लीजिए। नहीं तारीफ, अब लखनऊ में अगर सड़कों की तारीफ करनी पड़े, बात ही करते रहेंगे गौरव भाई, अगर मैं कह रहा हूँ लखनऊ राजधानी की सड़कों की तारीफ करने की जरूरत पड़े तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस सरकार को मतलब शर्म करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात देखिए, मामला क्या है, बार बार कहा जाता है मुख्यमंत्री जी की नीयत ठीक है, भाई 15 जून को भी इन्होंने इसे एक बार 15 जून की डेट इन्होंने किसी साल दी थी कि 15 जून तक गड्ढे मुक्त हो जाने चाहिए, और क्या हुआ गड्ढा मुक्त इतना हुआ सब जानते हैं। कुल मिला के साफ पता चलता है कि एक कमजोर सरकार है जिसका अधिकारियों के ऊपर कोई इकबाल नहीं है, जिसका अपने छोटे नेताओं के ऊपर जो सभासद हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके ऊपर कोई इकबाल नहीं है। कुल मिलाकर एक कमजोर सरकार जब होती है और जिसका मुद्दों पर कोई मतलब नहीं होता, जिसको सड़क के नाम पर वोट नहीं लेना है वो सड़क क्यों बनवाएगा भाई, जिसको गड्ढों के नाम पर वोट नहीं लेना है वो क्यों गड्ढे भरवाएगा भाई, इनको जिन मुद्दों पर राजनीति करनी उन मुद्दों पर बढ़िया से राजनीति कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, ना इनको स्कूल से मतलब है, ना अस्पताल से मतलब है, ना बिजली से मतलब है, ना पानी से मतलब है, ना सड़क से मतलब है। अच्छा। ना किसानों की फसल से मतलब है, ना खाद बीज पानी से मतलब है, इनको मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने नफरत के एजेंडे से मतलब। दोबारा कैसे आ गए सरकार कर रहे हैं, दोबारा कैसे आ गए? देखिए क्या करें, वैसा कमजोर विपक्ष था। अच्छा, कमजोर विपक्ष जिसको था। जिसको प्रमुख विपक्षी पार्टी, हम बिल्कुल लड़ने आए थे, लेकिन जिसको प्रमुख विपक्षी पार्टी समझा जा रहा था, जिसको जनता ने सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी समझा था, वो इनका मुकाबला नहीं कर पाई। तो ठीक है, वही जनता आप कह रही, जिस जनता ने हमको ये कहा था कि भैया इस बार रुक जाइए, अगली बार हम आपको मौका देंगे, इस बार भाजपा को हराना है, समाजवादी पार्टी को देख लेने दीजिए। तो इस बार पता चल गया कि भाई समाजवादी पार्टी के अंदर यह हैसियत नहीं कि भाजपा को हरा पाए, तो वही जनता आप कह रही है। देखिए गुजरात में कितना गजब का माहौल बना हुआ है। अच्छा। गुजरात में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बनने गुजरात के बाद 2027 देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे गम्मज होगी। यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया आम आदमी पार्टी का माहौल बन रहा है, इसी वजह से बन रहा है, ये मुद्दों पर काम नहीं कर पा रहे। ये स्कूल पर बात करिए तो पता चलेगा कि 23,000 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए उत्तर प्रदेश के अंदर। आप स्कूलों पर बात करेंगे तो पता चलेगा 6 महीना बीता जा रहा है, ये किताबें नहीं पहुंचा पा रहे। पता चलेगा कि ये मिड डे मील में जो है छिपकली परोस रहे हैं, नमक और भात खिला रहे हैं बच्चों को, अगर शिकायत कर दे शिक्षक से कोई बच्चा तो उसको पीट पीट के अधमरा कर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप मुद्दों पर सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे तो सरकार आपकी जुबान पकड़ने की कोशिश करेगी, आपका गला दबाने की कोशिश करेगी, इनको मुद्दों की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से हर तरफ, बस गौरव जी 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, हर तरफ दरअसल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कमीशन तय है सबका भैया, प्यून से लेकर और मुख्यमंत्री तक का कमीशन। जब तक इस कमीशन पर चोट नहीं करेंगे, जब तक ये कमीशन खोरी नहीं बंद होगी, जब भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा, जब तक भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा, चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री कमीशन तय है ना, जब तक भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर बंद नहीं होगा, तब तक आप ये उम्मीद करें कि सड़क के गड्ढे भर जाएंगे तो बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। अरे भाई मैं पूछ तो रहा हूँ कि पहले वाले में बोलने लगे यादव जी, दिल्ली मॉडल तो ऐसा हलचल मचा है कि आपकी नींद हराम है, मैं समझ रहा हूँ, उसी वजह से आपको अरे कोई करप्शन नहीं बता पाया अभी तक आप। चलिए अच्छा यादव जी एक करप्शन बता दीजिए, चलिए वो तो ब्रजेश पाठक बता रहे हैं कहाँ कहाँ करप्शन, हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी काफी, उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक काफी। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ एक भ्रष्टाचार बताओ भाई, भ्रष्टाचार बताओ आप क्या है। चलो मैं पूछ रहा हूँ यादव जी भ्रष्टाचार बताओ, भ्रष्टाचार बताओ, इधर उधर की बात ना करो, आम आदमी पार्टी का एक भ्रष्टाचार बताओ, चलो बताओ आप। मैं दिल्ली में आपके मंत्री जेल में है। अरे मैं भ्रष्टाचार पूछ रहा हूँ आप कह रहे हो जेल में, अरे जेल में पूरी पार्टी को डाल दीजिए, जेल में पूरी पार्टी को डाल दीजिए, आप अपने लठैतों के जरिए हमारे तो 40 विधायकों को आपने जेल में डाल दिया, सब इज्जत बरी होके आते हो गए। आप बताइए भ्रष्टाचार दाएं बाएं करें। अच्छा जिस मामले सत्येंद्र जैन जी की बात कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी के मामले में ईडी को जब फटकार लगाई हाईकोर्ट ने तो ईडी कह रहे कि भाई जज चेंज कर दीजिए, अब जज जज चेंज करा रहे हैं, अभी बात लेता हूँ। हाँ। रामनाथ भाई अभी बात लेता हूँ।
अभी बात लेता हूं। यही कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्तों की पार्टी आम आदमी पार्टी है। गुजरात में आपको अभी बात लेता हूँ आपको। सुशील दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रूप में जुड़े हुए हैं। सुशील जी, बहुत गहरा अनुभव है आपका और बहुत शानदार आपका मूल्यांकन है। कैसे देखते हैं जो अभियान चलाया जा रहा है, एंटी करप्शन की यूनिट डाली जा रही है, किस तरह देखते हैं? अभियान पहले भी चलाए जाते रहे हैं, सरकार के मनसा अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, किस तरह देखते हैं? अब गौरव भाई बोल रहे हैं ना? जी बिल्कुल बोल रहा हूँ सर। गौरव भाई, अब मैं एंटी करप्शन में बोलूं कि गड्ढों पर बोलूं? दोनों पे, जिस पे बोलने का, दोनों पे बोलिए आप सर। तो मैं गड्ढों शुरू करता हूँ। जी बोलिए। पहले तो आपके प्राइम टाइम चैनल से जी मैं बधाई देता हूँ योगी जी के माध्यम से जी कि उन्होंने दिवाली पर बेहतरीन तोहफा दिया है ठेकेदारों को जी और कमीशन खोर अधिकारियों को। अच्छा, इससे अच्छा दिवाली पे ही मौका होता है, इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। अच्छा, और बरसात भी है, टाड़ा भी आने वाला है जी, बहुत अच्छा कमीशन जाएगा आपकी इन गड्ढों को लेकर। अच्छा, आप बताइए, जब बसपा में नसीमुद्दीन ऐसा भारी नाम जी, समाजवादी पार्टी में अखिलेश शिवपाल यादव ऐसा भारी नाम जी, बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य ऐसा भारी नाम जी, अगर इससे भारी नाम लगभग लगभग नंबर दो के सीएम थे ये जी, ये चाहते तो आज के उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त छोड़ दो जी, बहुत लगता कि हाँ क्या हो गया है, क्या शानदार प्रदेश हो गया है जी। लेकिन योगी वन में केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम थे जी, और ढोल बजाते ही पहला उन्होंने डिप्टी सीएम के बाद जब पीडब्ल्यूडी संभाला है जी, तो उन्होंने यही कहा था कि ये प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा जी, उन्हीं के विधानसभा में गड्ढा हो गया जी, खड्ढा हो गया जी। तो पॉलिटिकल बलिहारी है कि डिप्टी सीएम है लेकिन वो पीडब्ल्यूडी नहीं है जी। आप बताओ, पीडब्ल्यूडी का कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए जी, ये तो छोटे मोटे काम, गड्ढा फड्डा तो ये सब प्रमुख सचिव लेवल के किसी विभाग की हूँ जी, उनके लेवल का काम है, बहुत बड़ा। ये तो इसके लिए मुख्यमंत्री भी बोले जी, कैबिनेट मंत्री को पासवान करके जी, ये मुख्यमंत्री जी गड्ढा के लिए बोले जी, 10-20 दिन पहले बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए? ओवरलैप करके अगर कैबिनेट, अभी कैबिनेट मिनिस्टर का जो पीए है क्या खाली वो करोड़ रुपए घूस खाने के लिए है जी? ये एक्सियन और चीफ और ये असिस्टेंट और जेई और मेट, ये सब क्या मतलब खाली 2% लेके 25% तक कमीशन के लिए है जी? ये क्या करते हैं? 2.5 लाख रुपए 1 लाख लेके 2.5 लाख रुपए तनखा पाते, ये किस काम क्या काम करते जी? आप हमको गौरव जी ये बताइए जी, आप क्या, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, आप क्या बताएंगे? आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ जी, जी, कि शहर में जी एक पार्षद जी, एक विधायक जी, कांस्टेबल जी, उसी में कई पार्षद जी, फिर एमपी जी, फिर कई एमएलसी जी, निकाय के एमएलसी जी, शिक्षा का एमएलसी, विद्युत कांस्टेबल एमएलसी जी, फिर शिक्षक से एमएलसी, किस्म के मिलती, उनके भी वो होते हैं, कोटे होते हैं लाखों करोड़ों की जी, करोड़ों के कोटे तो इसके होते हैं, पार्षद के होते हैं जी। हम नवासी में सभासद थे जी, उस समय 1.5 लाख कोटा होता था, आज तो करोड़ों के होते हैं साल के। बिल्कुल। अब आइए गांव में जी, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, फिर आता है गांव का एमपी जी, और फिर दोनों जगह आता है राज्यसभा का एमपी, शहर में भी हो गांव से भी जी। इनको करोड़ों अरबों रुपए की वो मिलती है राशि अपने उसको क्षेत्र को विकास के लिए इन्हीं गड्ढों में जी। तो इनके तो गड्ढे, घर के गड्ढे तो 8-8 मंजिला 10-10 मंजिला फार्म हाउस बन जाते हैं, तो ये गड्ढे और गड्ढे कैसे बने हुए? ये रुपया जाता कहाँ है जी? मैंने आपको 10 नाम बताए पार्षद से लेके जी, और राज्यसभा मेंबर तक जी, ये कहाँ जाता पैसा जी? इसने पूछा अभी तक जी। और फिर सबसे बड़ी बात गौरव जी जी, गड्ढे का मानक क्या होगा जी? गड्ढे का औसत क्या होगा जी?
गड्ढे का वो जो एवरेज वो क्या होगा, गड्ढा 1x1 के गड्ढा माना जाएगा जी, 5x3 को गड्ढा माना जाएगा जी, या अभी जो बुंदेलखंड पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अभी जो हुआ है 15x10 को गड्ढा माना जाएगा जिसमें कार चली गई जी, या 500 मीटर सड़क पे जिसमें 50-60-70 गड्ढे उसको गड्ढा माना जाएगा जी। आखिर गड्ढे का मानक क्या होगा, जेई को जब आदेश होगा चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग का वो हो चाहे एलडीए का हो चाहे नगर निगम का हो चाहे आरईएस का हो चाहे ग्रामीण अभियंता का हो चाहे सेतु निगम का हो चाहे जल निगम का हो किसी विभाग का हो, इन विभागों में खुल इतने बड़े गड्ढे हैं, जब तक योगी जी इन गड्ढों को नहीं भरेंगे बिल्कुल सही बात, तो शहर गांव देहात और कस्बे और मोहल्ले के गड्ढे तो कोई भर ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब हम किसका कह दें और क्या कह दें और क्या चल कर दें, विनम्रता से कह सकते हैं कि जिनको गड्ढा भरना है पहले वो अपना पेट तो भर लें। 5% से मिनिमम मेट और मुंशी करोड़पति है ही नहीं गड्ढों के कारण जी। कारण गौरव जी, विटामिन होता है, विटामिन से गड्ढे भराए जाते हैं, विटामिन का एक लेवल वो होता है इतने लेवल पर इतने तापमान पर विटामिन को इतनी देर तक गर्म करेंगे और इसमें इतने लेवल पर बालू मिलाएंगे, इतने लेवल तक मोरंग मिलाएंगे और इतनी देर तक गर्म करेंगे तब विटामिन उसको मिक्स करेंगे तब विटामिन पकड़ पाता है। अब अगर अगर ठेकेदार ईमानदारी से इतना कर ले तो 60% कमीशन देता है तो बिक जाएगा उसकी तो वो लोडर और वो सब बिक जाएंगे। कारण क्या है, उसका तो लकड़ी में जलाने में इतना खर्चा आ जाएगा, उसमें 200 लकड़ी जला दी चूल्हे तरीके से, उसको ऊपर बिटमिन गर्म कर दिया, उसमें जो मानक एक उसमें 10 बोरी बालू डाल दी और 5 बोरी मोरंग डाल दी और मिला दिया और पोत दिया, किस्सा खत्म, ऊपर झाड़ी रख दी, गड्ढा भर गया उसके बाद जो जहां जाना था दिवाली की मिठाई तोहफा वहां चला गया, कौन गड्ढा देख रहा। और फिर जब जय श्री राम अल्लाह अकबर और ज्ञान बापी के नाम पे वोट पड़ रहा है, जब लोग ये कहते हैं कि हम 1000 लीटर पेट्रोल हो जाए हम वोट तो इन्हीं को देंगे, जब लोग ये कहते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे हम लोग तो इन्हीं को देंगे, तो गड्ढे होते रहे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी माननीय मोदी योगी, खैर इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान के सीएम मनोयोग से प्रदेश के दूसरी टपारी में विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अकेले क्या कर लेंगे अकेले आप बताइए, ये कमीशन कौन रोक सकता है और कौन नहीं जानता है कमीशन चलता है। कितने एंटी करप्शन के 1000 ब्यूरो खड़े कर दीजिए, एक पटना के जेई के पलंग के नीचे 5 करोड़ रुपया निकला था 2-2 गड्ढी में, और आपके क्या यूपी के जेई और एई और मेट का आप कमजोर मानते हैं। आप किसी एक विभाग की बात नहीं करता हूं, नगर निगम में जो अब क्या कितने परसेंट कमीशन है कुछ सोच लेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे जी। नगर निगम में 5-5 साल बाद पेमेंट होता है, लेकिन ठेकेदार खुश इसलिए होता है कि मेरा ब्याज सही निकल आया, हमने लगाया ही क्या था जी। 1:3:6 का रेशियो है नॉर्मल चुनाई में, एक बोरी सीमेंट, 3 वो मोरंग और 6 बालू, 1:12 से कम का नहीं होता मसाला जी। आप बताओ क्या उसमें क्या करते हो, पुरानी ईंटें क्या दिक्कत है जी। कितने ऐसे 1000 केस पकड़ चुके हैं अभी अभी जो गड्ढा, अच्छा एक्सप्रेस वे में तो अभी गड्ढा जो हुआ है इसमें कौन सा लॉजिक देंगे कि कैसे हो गया जी। वो तो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो तो कोई नगर निगम तो बनाता नहीं है, 22,000 करोड़ का वो तो एक तो वो तो हाईवे अथॉरिटी बनाती है जी। तो ये कैसे, ये सब कैसे होता है जी। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर रोड इंजीनियरिंग काउंसिल का भी वो कार्यक्रम ना होता होता तो आखिर पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो हमारे योगी जी को ये पेन लेना पड़ रहा है, ये ट्रेस लेना पड़ रहा है, उनके पास तो उनका काम सीएम का काम प्रदेश के होता है नीति बनाना जी, विकास की नीति बनाना, कैसे कैसे बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए उसका उसका वो खाका खींचना। हमारा सीएम का काम ये थोड़ी होता, हम गड्ढे बैठ के भरवा गड्ढे के लिए केस करें। ठीक है जी, ठीक है रामनाथ भाई, यहाँ पे इमरान भाई ने तमाम तरह की बातें कही कि यहाँ पर केवल नाम हो रहा है और कमजोर सरकार है, तो क्या उनका मार्गदर्शन है, क्या कहना चाहते हैं आपकी सरकार को भाई? भाई इमरान जी को विश्वास न हो रहा हो जी, तो जरा छोटा सा भाई मुझे आवाज नहीं आ रही है जी। सरकार कितनी ताकतवर है जी,
अब आप देखिए तो भैया, अभी मैं देख रहा था कि सारी बातें हो रहा है भैया। नहीं इमरान जी, इमरान जी नहीं, सुनिए सुनने को रखिए भाई, बहुत आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, कमजोर है। मैंने कहा ना, एक अपराध करके देखिए, बता तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ, अपराधी बता रहा हूँ। थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर यादव जी, किसी अपराधी की हैसियत थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है, किसी अपराधी की हैसियत बात नहीं है। आप अपराध डाल बलात्कार कर रहे हो भैया मेरे, वो पिछली सरकार में होता था, अरे अपराधी अपराध करता था, अरे थाने में बलात्कार हो रहा है महाराज, कहां पड़े हैं आप, प्रेम घूमता था थाने में, अपराध हो रहा है, अपराध किया आपका, थानेदार होटल में हत्या कर दे रहा है, मैं बता तो रहा हूं, आप बेशरम है, क्योंकि आप कैसे कह रहे हैं, आप बेशरम है इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, मर्यादा में नहीं, मैंने कहा आप बेशरम है, ये आपका चरित्र है, ये मर्यादा है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, आप बच्चा चोर लोग हो यार, बच्चा चोरी करते हो मुझे बेशरम कहोगे, अरे बेशरम है आप, चोरी कर लिया, आप बच्चा चोर लोग हैं, आप बच्चा चोर लोग हैं, आप बच्चा चोर लोग हैं, आप बच्चा चोरी करते हैं प्रदेश के अंदर, आपका नेता आप प्रदेश में, मैंने आपसे कहा ना, अगर हैसियत है छोटा सा अपराध करके देखिए कि पुलिस क्या करती है, अरे भाई थानेदार बलात्कार कर रहा है थाने के अंदर, थानेदार बलात्कार कर रहा है थाने के अंदर, अपराध करेगा तो अपराधी की जो जगह है, अरे एक गड्ढा तो भरा नहीं जा रहा है, बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, एक गड्ढा तो भरवा नहीं पा रहे हो, एक गड्ढा भरवाने के लिए मुख्यमंत्री को लगना पड़ रहा है, शर्म आनी चाहिए यार, योगी जी जो है, अरे एक गड्ढा भरवाने के लिए सड़क का मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, गली 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 का गली का गली का गड्ढा भरवाने के लिए, गली का गड्ढा भरवाने के लिए मुख्यमंत्री की हैसियत क्या, देख लीजिए, गली का गड्ढा भरवाने के लिए मुख्यमंत्री को आना पड़ा, शर्म नहीं आ रही है, अरे शर्म, मैंने कहा ना आपको शर्म नहीं, शर्म नहीं आ रही, गली का गड्ढा भरवाने के लिए मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, न इंजीनियर काम कर रहा है, न विधायक काम कर रहे हैं, न सांसद काम कर रहा, न मंत्री काम कर रहे, न डिप्टी सीएम काम कर रहे, एक गड्ढा भरने के लिए मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है भैया, एक एक गड्ढा भरने के लिए मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, अगर कोई अपराधी अपराध करेगा उसके सीने पे पुलिस चढ़ के, अरे पहले गड्ढे का बता दो, पहले गड्ढे का बताओ, फिर बाद में बताना, आप बताइए ना पूरे गड्ढे का बताओ, आपके लोगों ने किया है, अरे गड्ढे का बताओ भाई, इधर उधर की बात करो, गड्ढे का बताओ, तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, गली का गड्ढा भरना पड़ रहा है, एक गली का गड्ढा मुख्यमंत्री को भरना पड़ रहा है, ना विधायक काम कर रहा, ना सांसद काम कर रहा, ना मंत्री काम कर रहा, ना डिप्टी सीएम काम कर रहा, ना एक सीएम काम कर रहा, ना कर्मचारी काम कर रहा, ना अधिकारी काम कर रहा, सरकार का कोई इकबाल नहीं रह गया, सरकार का कोई इकबाल नहीं रह गया, इतनी कमजोर सरकार, इतनी बेबस सरकार, जो अधिकारियों के सामने नतमस्तक है, जो बेईमान अधिकारियों के सामने नतमस्तक हो, इतनी कमजोर सरकार आप चला रहे हैं। इमरान जी, अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश योगी जी कमजोर है, एक छोटा सा अपराध करके दिखाओ, अपराध दिखाते हैं आपको ना कि योगी जी कमजोर है, कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कमजोर है, यादव जी उत्तर प्रदेश में अपराध करना, अपराध करना भाजपाइयों का काम है, बच्चा चोरी आप करो, किडनैपिंग आप करो, बलात्कार का काम आप करो, अपने सारे काम गिना रहे उत्तर प्रदेश में, जो काम अपराध आपको मुबारक हो, भाजपा को अपराध मुबारक हो, आम आदमी पार्टी अपराध करने के लिए नहीं आई है, आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने के लिए आई है, अस्पताल बनाने के लिए आई है, बिजली फ्री देने के लिए आई है, पानी फ्री देने के लिए आई है, खाद बीज पानी किसानों को देने के लिए आई है, किसानों को मुआवजा देने के लिए आई है, अपराध करने के लिए भाजपा चाहती है, शर्म हो, हया हो, तो चार पांच विद्यालयों के नाम बताइए कि फला विद्यालय हमने बनाया है, उसका नाम नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कि 45,000 क्लासें हमने बनाई, 50,000 बाथरूम बनाए, अरे स्कूल कोई बनाया उसका नाम बताइए ना, एक पांच विद्यालय का नाम बताइए दिल्ली में जिनको आपने बनाया हो, जिसकी तुलना आप उत्तर प्रदेश करते हैं, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, सरकार उत्तर प्रदेश में 23,000 स्कूल बंद हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 23,000 नहीं, आपका आंकड़ा नहीं है, यह आपका आंकड़ा बता रहा हूँ यादव जी, आपका आंकड़ा बता रहा हूँ, 23,000 सरकारी स्कूल बंद हुए दिल्ली के अंदर, हर विधानसभा में 5 स्कूल बनाएंगे, चलो कब चल रहे हो मेरे साथ, प्रदेश में यादव जी चलिए मैं आपको ले चल रहा हूँ, आपको दिल्ली में कितने स्कूल देखने हैं, मैं लेके चल रहा हूँ अपने खर्चे पे, चलिए दिल्ली में कितने स्कूल देखेंगे आप मुझे बताइए, 23,000 स्मार्ट क्लासेस बनाएंगे, 50,000 बाथरूम बनाएंगे, दरअसल दिक्कत आपको इसी से है, नहीं बना रहे हैं आप, स्कूल बंद कर रहे हैं, हम स्कूल बना रहे हैं, अरे कहता है, अरे रामदेव भाई पांच विद्यालय का नाम बताइए जो आपने बनाए हो, मैं कह तो रहे हैं एक
कहते रहे सरकार बनाने जा रहे गुजरात में, वही काम बेहतर कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ हर विधानसभा में 10 स्कूल दिखाऊंगा, चलिए आप मेरे साथ। मुसी जाएगा, चलिए आप मेरे साथ चलिए। अरे 23,000 स्कूल बंद करने वाले स्कूलों पर सवाल कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 23,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, स्कूल पे बात कर रहे हैं, जो आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखे वो स्कूल पे बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया। मैंने कहा ना पांच विद्यालय का नाम बता दीजिए। हो गया हो गया हो गया। अरे भाई मैं कह रहा हूँ हर विधानसभा में 5 स्कूल दिखाऊंगा, चलिए आप मेरे साथ। चलिए यादव जी, चलिए मैं दिखा रहा हूँ। भाग जाते हैं आपके प्रवक्ता, आपके नेता भाग जाते हैं। कह रहे क्या स्कूल बनाए नहीं क्या हमारी पार्टी ने? अरे गौरव भाई रखिए प्रोग्राम, मैं कह रहा हूँ सारा खर्चा हम उठाएंगे। रामनिवास भाई ये बताइए क्या, रामनिवास भाई एक मिनट एक मिनट, रामनिवास भाई आप क्या बोलते हैं, क्या हमारी पार्टी ने दिल्ली में स्कूल नहीं बनवाए हैं? क्या कहना चाहते हैं भैया? बनवाए तो है ना। स्पष्ट है कि दिल्ली में एक भी विद्यालय नहीं बनाया। अच्छा, इन्होंने 50,000 शौचालय बनाए, 45,000 स्मार्ट क्लासरूम बनवाए। मैंने कहा ना गौरव जी, अगर इनकी हिम्मत हो, इनकी हैसियत हो, तो 5 विद्यालय के नाम बता दें दिल्ली में जो बनाए उन्होंने। मैं कह रहा हूँ हर विधानसभा में 10 नए स्कूल आपको दिखाऊंगा, चलिए आप मेरे साथ। दिखाना गौरव भाटिया की तरह भागने का नाम बताइए ना, 5 विद्यालय के नाम बनाए में दिखाने में अंतर क्या भाई? क्या कहना चाहते हैं? बताएंगे लेकिन बनाएंगे सब, तो आप क्या एक विद्यालय के नाम इनको याद नहीं? आप क्या कह रहे हैं नहीं बनवाए हैं? क्या एक विद्यालय नहीं बना तो क्या किया इन्होंने? मैंने कहा ना कि 50,000 शौचालय बनाए जो विद्यालय बने हुए थे। अच्छा, और 45,000 स्मार्ट क्लासेस जो विद्यालय बने हुए थे उसमें क्लासेस पहले से लगती थी, उसी के नाम दे दिया। मैंने कहा ना कि पूरे दिल्ली में 5 साल ज्यादा इनको हो गए हैं, 5 विद्यालय के नाम बता दें, आप जो कहेंगे मैं हारने को तैयार हूँ। जी ठीक है ठीक है, हो गई बात। मैं कहूंगा अपनी बात, मैं कह रहा हूँ चलिए जी हर विधानसभा में 5 नए स्कूल। अरे भाई सुनिए तो पहले, आप चिल्ला रहे हैं, मैं पूछ, मैं कह रहा हूँ भागिए मत गौरव भाटिया की तरह। भागने वालों का सिस्टम, जब से आम आदमी पार्टी है ये भागे भागे फिर रहे हो, जहाँ पूछा जाता है भागने लगते हो, भाग क्यों रहे हो? मैं कह रहा हूँ चलो, अरे बेशरम आप हो, बच्चा चोरी आप करोगे बेशरम हमको बोलोगे, पाकिस्तान की जासूसी आप करोगे हमको बोलोगे, किडनेपिंग बच्चों की आप करोगे हमको बोलोगे, आपका नेता बलात्कार आप करेंगे, वैश्यालय चलाने का काम आप करेंगे, वैश्यावृत्ति कराने का काम आप करेंगे, बच्चा चोरी कराने का काम आप करेंगे, पाकिस्तान की जासूसी आप करेंगे, और बेशरम हम बेशरम आप लोग ठीक है ठीक है, कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, कट्टर देशभक्त ठीक है ठीक है ठीक है, कट्टर ईमानदार हैं जी ठीक है ठीक है ठीक है। विवेक भाई जी, भाई आपने सुना सबकी बात, यहाँ पर चर्चा दूसरी हो रही थी, चर्चा यहाँ पर दूसरी होने लगी। भाई आपका कहना भी है कि मुख्यमंत्री की मंशा है, पर यहाँ पर अधिकारी कहीं ना कहीं हिलावाली कर रहे हैं, तो क्या रोडमैप होना चाहिए, इसको किस तरह बेहतर करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सुशील दुबे जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, उनका कहना भी ये था कि अगर प्रमुख सचिव मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को क्यों आगे आना पड़ा, मुख्यमंत्री क्यों संज्ञान लेना पड़ा, मुख्यमंत्री पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं, उनको संज्ञान क्यों लेना पड़ा? तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो हिलावाली करते नजर आ रहे हैं। यही चीज़ तो विडम्बना है कि मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है, मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं जी। एक छोटी सी बात बताऊंगा गौरव जी, जी। मोहनलालगंज क्षेत्र के अंतर्गत नगराम एक रोड आती है जी, बिल्कुल है ना, खुजौली नगराम रोड है जी। और वो एक हाईवे है जी। एक पिछले एक वर्षों से जी। उस 25 किलोमीटर की रोड को अगर आप देख लेंगे तो आप कहेंगे मैं दोबारा से इधर आऊंगा ही नहीं। रोज वहां एक्सीडेंट होते हैं जी, ट्रक पलटे रहते हैं जी, टेम्पो पलटे रहते हैं जी। वहीं के बलसिंह खेड़ा एक जगह है जी, वहां के विनोद कुमार प्रधान जी हैं जी। उन्होंने मुझको फोन किया, मुझको मैसेज डाला कि भैया हमारे यहाँ की रोड करवा दीजिए जी। मैंने पीडब्ल्यूडी से कांटेक्ट किया, उनको आईजीआरएस किया, उसके बाद वहां के अधिशासी अभियंता से वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा साहब एक साल पहले हमने इसका प्रस्ताव बना के मुख्यालय को भेजा हुआ है, जब तक मुख्यालय से पास होकर नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमने कहा आप इतना तो कर सकते हैं, उन लोगों गड्ढों को बंद करने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए। बिल्कुल होनी चाहिए, जो लोग वहां पर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, स्कूटी वाले हैं या टेम्पो वाले हैं, गिरते हैं उसमें, और चोटिल ना हो, लोग वहाँ एक्सीडेंट होके मरे भी हैं, बहुत एक्सीडेंट्स वहां पर हुए हैं, आपसी लोग हाथ पैर टूटे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक भाई अधिशासी अभियंता है, उन्होंने कहा भाई जब तक मुख्यालय से हमें कोई आदेश नहीं आएगा जी। तो मुझे समझ में नहीं आता मुख्यालय में ऐसा कौन आदमी आदेश करता है या प्रस्ताव को रोक लेता है कि वो प्रस्ताव पास ही नहीं होते जो जनहित के होते हैं जी। केवल उन जगहों की लीपापोती कर दी जाती है, जैसे हजरतगंज का है, आप 10 बार करवा लीजिए पीडब्ल्यूडी से, खुशी खुशी कर देगी। उसके प्रस्तावक कहां से आ जाते, उसका कैसे प्रस्ताव बन जाता, कैसे पास हो जाता जी।
मतलब जनता जो है, गरीब जनता जो है, जो जिसकी कोई आपके पास अप्रोच नहीं है, बीवीआईपी क्षेत्रों में नहीं रहती, उस जगह की तो रोड मतलब तो यहाँ पे आपने आदेश देखा है, आदेश में ग्रामीण अभियंतर विभाग, ग्राम विकास सबको आदेश दिया है, पेपरों में सब कुछ, ये जितने भी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि मुख्यमंत्री महोदय को केवल यहाँ पर हरियाली दिखा दी जाती है केवल ऑन पेपरों पर। जी अगर आप हकीकत देखना चाहेंगे, सुशील भैया बहुत अच्छी तरह जानते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, जाते रहते हैं, उनको पता है कि गांव में क्या काम करते हैं अधिकारी। एक रोड केवल 50 मीटर की बनाएंगे, बता देंगे 500 मीटर बना दिया। तो ये अगर हाल रहेगा, देखिए अगर ये कोई काम हो रहा है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है, तो उसका सुपरविजन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब तक सुपरविजन नहीं होगा, ये अधिकारी और ये कर्मचारी और इसके जो सरकार की मंशा पलीजा लगा रहे हैं, मिलकर जो इन्होंने एक नेक्सस बनाया है, जो सबसे बड़ा नेक्सस आप देखिए, आप अगर इसको देखें विकास प्राधिकरण को, एलडीए को, यहाँ बहुत बड़ा नेक्सस है। अच्छा। यहाँ है आपके नगर निगम में है ठेकेदार और अभियंता। जी मैंने आपके पिछली डिबेट में भी मैंने बोला था कि जब तक अब जो जमे बैठे हुए हैं, सालों से जमे बैठे हैं अधिकारी, अगर वो वहां से चेंज नहीं होंगे तो ऐसा भ्रष्टाचार पनपता रहेगा। उनको आश्रय उन्हीं अधिकारियों से मिलता है, एक एक सीट पर। हमारे पिछले भाजपा के एक नेता साहब थे, उन्होंने बताया, प्रवक्ता जी थे, उन्होंने बताया कि नहीं वो सब वहां पर उन्होंने चेंज कर दिया। मैं ऐसे चीजें बता सकता हूं कि उसी सीट पर बैठे हुए वहीं से उनका प्रमोशन हुआ, वहीं पर वो आज वो उसी प्रमोशन लेवल पर काम कर रहे हैं। जी। दूसरी जगह क्यों नहीं भेजा गया? जी। स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ उनका? जी। आप लखनऊ की एक ही सीट पर जिस जगह पर वो जेई है वहीं पर ए प्रमोट हो गया, वहीं से वो एक्सीएन प्रमोट हो गया और उसी क्षेत्र को देख रहा। अच्छा। क्यों देख रहा भाई? आप उसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? जी। ये जो ठेकेदारों का नेक्सस जो अभी भाई साहब ने, अभी हमारे सुशील भाई साहब ने बताया 60% वहां पे कमीशन जाता है, कमीशन खोरी क्यों हो रही है? पुराने पुराने वही जेई प्रमोशन होके एई बन जा रहे हैं, वही एई प्रमोशन होके एक्सीएन बन जा रहे हैं, काम उन्हीं लोगों को करना है। जी। जब मेन आपके साथ में किसी ठेकेदार के साथ में आदमी बैठा हुआ है तो उसको तो भाई आराम से भ्रष्टाचार चले। यहाँ पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जब तक अधिकारी नहीं बदले जाएंगे। और सबसे ज्यादा अभियंत्रण खंड, जितना भी ये अभियंत्रण खंड है, ये केवल और केवल नेक्सस है ठेकेदारों का और अभियंताओं का, ये दोनों लोग मिलकर इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके ऊपर देखने वाला कोई नहीं है। और सभी विभागों में, चाहे वो आवास विकास हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, नगर निगम हो, या हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सब पर बहुत जरूरी है अंकुश लगाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेर भाई, भाई अब आपने कहा है कि जब वहां पर रोड ढसी थी झांसी के पास, तो आपने आवाज उठाई थी। मैं तो चाहता हूँ अगर गड्ढा मुक्त अभियान की यहाँ पर मुख्यमंत्री शुरुआत किए हैं और 15 नंबर तक भरने की बात कही है, तो अगर कहीं कमी पैसी रह जाए तो थोड़ा सा इसको भी बात उठानी चाहिए भाई। विपक्ष की जिम्मेदारी भी है और इसको मेरे ख्याल से उम्मीद है कि RLD चूंकि हमारे डिबेट में भी मौजूद है, इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे 15 नंबर के बाद। जी, आपको आपको हम विश्वास दिलाते हैं जी कि जो सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किए हैं उसका अनुपालन के अधिकारी करेंगे, ऐसा तो हमें विश्वास ही नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर वो अनुपालन करते हैं जी, उसके बाद भी उनकी त्रुटियों को आगाह कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम सरकार से लगातार इस पर कम्युनिकेशन रखते हैं। जी, मैं एक भ्रष्टाचार का एक बहुत छोटा सा नमूना आपको बता दूं 1 सेकंड में। जी, जल्दी बताइए। हाँ। खाद्य रसद विभाग के RFC लखनऊ ने सीतापुर के एक कर्मचारी का ट्रांसफर किया। अच्छा। ट्रांसफर हो गया, लिस्ट जारी हो गई, आज तक वो वहां से रिलीव नहीं हुए हैं और उनका ट्रांसफर भी नहीं रुका है। अच्छा। मतलब ट्रांसफर रोका भी नहीं गया है और वो वहां से रिलीव भी नहीं हुए हैं। अच्छा। अब हमको ये बताइए कि इस भ्रष्टाचार को जी हम आज बता रहे हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे यादव जी इसका संज्ञान लेंगे जी और इसकी जांच कराएं जी, देखें कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार अधिकारी है जी, कि ट्रांसफर करने के बाद में संबंधित कर्मचारी रिलीव नहीं हुआ और उसका ट्रांसफर भी नहीं रुका, और अगर ट्रांसफर रोका गया तो किसके आदेश से रोका गया, ट्रांसफर हुआ तो जनहित में हुआ था जी, इस भ्रष्टाचार में कौन लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। ठीक है, ठीक है। और ऐसी नसीहत दें कि और लोग इसको करने की हिमाकत न करें और जरूरत न करें।
आखिर क्या प्रेम है, क्या स्नेह है कि वो वहीं पर रहना चाहते हैं, दूसरे जनपद में ट्रांसफर के बाद भी जाना नहीं चाहते और उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कितने भी एंटी करप्शन की टीमें गठित कर दें, कैसे इस भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है जब इनके अधिकारियों का एक काकस बना हुआ है, एक साठगांठ बनी हुई है, ये बात संबंधित अधिकारी मुख्यमंत्री जी तक जाने ही नहीं देते जो इस पर कार्रवाई करें। मैं इसका संज्ञान दे रहा हूँ, कृपया इसको दिखवाएं ठीक है। और इस पर प्रभावी कार्रवाई कराएं। ठीक है, मैं कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, जो पूरा मामला है गौरव भाई, सिर्फ इतना सा है कि जब तक ये जो कमीशन खोरी का मामला है जो प्यून से लेकर और सत्ता के बिल्कुल शीर्ष तक है और उसको जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक ना तो गड्ढा सही से भर सकता है ना अच्छी सड़कें बन सकती हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नज़ारा आपने देखा है कि पूरी तरीके से जो मुख्य जो पैसा होता है, मूलधन जो कह लें इस पूरे विकास कार्य का, सड़क के मामले में विशेष तौर से, वो तो कमीशन की भेंट चढ़ जाता है। तो जब तक इस पर आप कंट्रोल नहीं लगाएंगे, सारे लोगों ने कमोबेश ये बात मानी है कि मुख्यमंत्री जी की नीयत ठीक है, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन मसला आ रहा है कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, मसला ये आ रहा है कि विधायक उनकी नहीं सुन पा रहे, शायद जनप्रतिनिधि उनकी नहीं सुन रहे हैं। अगर काम नहीं हो रहा है तो कहीं तो कोई लूप होल होगा, और वो लूप होल समझ में आ रहा है कि भाई वो कमीशन खोरी हो रही है, अधिकारी भी कमीशन खा रहे हैं, विधायक भी कमीशन खा रहे हैं, सांसद भी कमीशन खा रहे हैं, प्यून भी कमीशन खा रहा है, डिप्टी सीएम तक कमीशन खा रहे हैं। तो सब जब कमीशन खा रहे हैं तो काम कैसे होगा, काम तो गड़बड़ होगा ही होगा। और अगर ये सब कमीशन खा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे, खाली गड्ढा भरो पांच साल से चिल्ला रहे हैं, तो हम तो कहेंगे भाई मुख्यमंत्री कमजोर है, इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। आप बताइए, 15 जून की कोई डेट थी, मुझे साल नहीं याद आ रहा है, मुख्यमंत्री जी यही थे शायद, नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने ऐलान किया था कि 15 जून तक सारे गड्ढे भर जाएंगे। तो जब सारे गड्ढे भर गए तो फिर से 15 नवंबर की डेट देने की आवश्यकता क्यों? बताया तो है पानी से गड्ढे हो जाते हैं। अरे भाई, तो फिर ऐसी कौन सी सड़कें बन रही हैं? आप बताएं ना, कह रहे थे बारिश हो रही थी, गड्ढे हो जाते हैं, सड़कें टूट जा रही हैं, तो कुल मिलाकर मामला साफ साफ समझ में आ रहा है। या तो ये अच्छे सड़कें नहीं बना पा रहे जी, अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे, जनप्रतिनिधि इनकी सुन नहीं रहे, इनके नेता इनकी सुन नहीं रहे, इनका मंत्री इनकी सुन नहीं रहा है। बहुत गंभीर बात सुशील जी ने उठाई थी कि अगर एक मुख्यमंत्री को, इतने बड़े प्रदेश का, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसका मुख्यमंत्री अगर गड्ढे भरवाने के काम में जुटना पड़े उसको, तो बड़ी शर्म की बात है पूरे सिस्टम के लिए, ये सोचने की बात सबके लिए। मैं मुख्यमंत्री जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी की नियत ठीक हो सकती है, बिल्कुल मैं इस बात को मान सकता हूं, लेकिन अगर एक इतने बड़े विशाल राज्य के मुख्यमंत्री को अगर एक छोटा सा गड्ढा भरवाने के लिए बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना देना पड़े, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगेगा कि सरकार अपना इकबाल खो चुकी है, अधिकारियों के चंगुल में जकड़ चुकी है सरकार, अधिकारियों के चारों तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है और सरकार लाचार नजर आ रही है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। जाओ दीजिए, बोलिए। गौरव जी, आपने देखा होगा जी कि आपको गड्ढे कब दिखे जी, क्या जून के बाद गड्ढे दिखे थे? बारिश हुई, मैंने कहा ना कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बारिश, 53 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है जी, भयंकर बारिश 3-4 दिन से लगातार चल रही है, तो गड्ढे हुए। माननीय मुख्यमंत्री ने कल देखा, उन्होंने कहा कि जो गड्ढे हुए 15 नवंबर में भरे जाए। जून में ऑर्डर किया, सारे गड्ढे भरे गए जी, और रोडें सब ठीक रही क्योंकि मौसम बारिश का आता, बारिश के बाद सड़कें खराब होना निश्चित है जी, जब जब बारिश होती है जी। तो नवंबर का माननीय मुख्यमंत्री ने समय दिया, सड़कें सब ठीक हो जाएंगी जी। और रही बात कमीशन खोरी की जी, तो ये आज से नहीं है, सुशील जी पार्षद रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं जी, जब से इनकी सरकार बनी न कभी इनमें बंद हुआ, न पिछली सरकारें तमाम रही न बंद हुआ, पहली बार योगी जी के जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं हर व्यक्ति कहता है कि मुख्यमंत्री ईमानदार है। अच्छा, तो कहीं न कहीं एक स्टेज पे तो करप्शन रुका ना जी, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आ रहा है जी, योगी जी के संज्ञान में आएगा तो नीचे तक कोई करप्शन करता हुआ व्यक्ति बचेगा नहीं। अच्छा, ये निश्चित, यूनिट लगा ही रहे, 8 यूनिट लगा ही रहे, मतलब यादव जी को पता है और योगी जी को नहीं पता है। नहीं नहीं भाई, आपने भी कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, लेकिन इसके पहले क्या किसी मुख्यमंत्री के बारे में कह सकते थे कि मुख्यमंत्री ईमानदार है? सुशील जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, महानगर अध्यक्ष रहे, पार्षद रहे जी, या सुशील जी कह सकते हैं क्या कि किसी मुख्यमंत्री बारे में कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है जी? कम से कम आप सबने माना तो कि योगी जी ईमानदार है, सिस्टम नीचे गड़बड़ है। अच्छा, ठीक है, लंबे समय सिस्टम खराब था, अच्छा ठीक किया जा रहा है, आगे भी ठीक किया जाएगा, सुधारने में लगे हुए। इमरान भाई,
यहाँ पर तो मानते हैं ना कि अब यहाँ सिस्टम सुधारने में लगे हुए हैं यहाँ पर। देखिए सिस्टम सुधारने में मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि जो 5 साल पहले जो गड्ढा भरने की बात कर रहा है तो आज भी गड्ढा ही भरने की बात कर रहा है। अच्छा, तो अब आप समझ कितना पारिस्थितिक गड्ढे हो जाते हैं भाई। अरे भाई कितना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे क्या हुआ जी। अभी मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ बस्ती के अंदर, दिल्ली में गड्ढे नहीं होते क्या? बस्ती के अंदर मैं बता रहा हूँ, बस्ती के अंदर क्या हुआ कि वहां पे टोरंटो कंपनी है, वो पाइपलाइन गैस पाइपलाइन बिछा रही थी। 2019 में उसने बस्ती नगर पालिका को एक करोड़ 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया क्योंकि उसने सड़क तोड़ी थी, रोड कटिंग करी थी। आज तक जो है वो सड़क जस की तस पड़ी हुई है, पैसा खा के नगर पालिका के अधिकारी और चेयरमैन सब बैठ गए, चेयरमैन इनके भाजपा के, आखिर उसका भी कोई काम बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। तो भाई उनका चेयरमैन भी भाजपा का है, अधिकारी भी सब इन्हीं के सरकार के मातहत है। तो कुल मिलाकर मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ कि सरकार को अपनी हनक दिखानी पड़ेगी। सरकार को हनक दलितों पर ना दिखाए भाई, अपनी हनक नेताओं पर मत दिखाए, अकलियत पर मत दिखाए। अभी इमरान को धमकी दे रहे थे, बार बार इमरान एक अपराध करके दिखा दे, इमरान अपराध कर मुबारक हो आपके नेता बच्चा चोरी कर, सुन तो लो भाई, अरे सुन के तब जवाब दो यार, पहले चिल्लाने लगते हो। मैं कह रहा हूँ बच्चा चोरी आप करो, बच्चों की किडनैपिंग आप करो, आपकी पार्टी के नेता वैश्यावृत्ति करें, आपकी पार्टी के नेता पाकिस्तान की जासूसी करें, आपके नेता बच्चा चोरी करें, आपके किडनैपिंग का कारोबार चलाओ, आपके नेता बलात्कार में पकड़े जाएं, आपके नेता और विधायक बलात्कार में पकड़े जाएं, अपराध आपको मुबारक हो यादव जी, अपराध भाजपा को मुबारक हो, भ्रष्टाचार भाजपा को मुबारक हो, भ्रष्टाचार भाजपा को मुबारक हो, उससे आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर चर्चा थी गड्ढा मुक्त अभियान की, फिर शुरुआत की गई है और 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, अल्टीमेटम दिया है कि सभी विभाग जो कि सड़क से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ग्राम विकास विभाग हो, चाहे अभियंत्रण विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आवास विकास हो, और चाहे जो भी विभाग हो जो कि उस सड़क अभियान से जुड़ा हुआ है, सबको गड्ढे मुक्त करना है। इसके अलावा ये बात और कही गई है कि भ्रष्टाचार की भी 8 यूनिटें यहाँ पर लगाई जा रही है पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार के संकल्प पत्र में ये वादा था, उस वादे को निभाया जा रहा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि कमोबेश यहाँ पर जो चर्चा हुई उस चर्चा में निकल के ये भी आया कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, पूरे मनियों के साथ काम कर रहे हैं, निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री की मंशा पर यहाँ पलीता लगाते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी मेहनत होगी, तभी कुछ परिणाम साफ आएंगे, नहीं तो अभियान चलते रहेंगे और लोगों के जो पेट है वो भरते रहेंगे। यहाँ पर अगर वास्तव में चाहते हैं कि बेहतर विकास हो तो यहाँ पर सरकार को समीक्षा, क्रियान्वयन और कार्रवाई तीनों करनी पड़ेगी। अगर सरकार चाहती है कि वास्तव में उनका जो उद्देश्य है, संकल्प है, वो जनता तक के लिए पहुँचे, जनता के फायदे में आए, जनता के लो लाभ पहुँचाए, उसके लिए उनको अब कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी व्यवस्थित उत्तर प्रदेश की हम एक कल्पना कर सकते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, नमस्कार।